नमस्कार, बहुत स्वागत फिर एक बार आपका देसी भारत के इस महामंच पर। ये वीडियो खास तौर से भोजपुरी सिनेमा के एक्टर विक्रांत सिंह राजपूत को लेकर बना रहे हैं। टेलीविजन की सबसे लोकप्रिय रियलिटी शो स्मार्ट जोड़ी खत्म करने के बाद फिटनेस आइकॉन के रूप में जानने वाले एक्टर विक्रांत सिंह राजपूत फिर एक बार भोजपुरी सिनेमा में सक्रिय हो गए हैं। यही वजह है कि फिल्म तूतू मैमे की शूटिंग खत्म कर अब वे निर्माता समीर आफ्ताब की फिल्म बाप रे बाप कर रहे हैं। इसके अलावा भी विक्रांत की फिल्मों को लेकर मेकर्स के टच में हैं। कई फिल्म निर्माता उनके अभिनय स्किल से काफ़ी प्रभावित नज़र आ रहे हैं। यही वजह है कि आने वाले दिनों में उनकी बैक टू बैक फिल्में लाइन में हैं। विक्रांत सिंह राजपूत एक विशुद्ध अभिनेता हैं, जिनका जलवा जितनी फिल्मों में है उतना ही इंडिया टेलीविज़न इंडस्ट्री में भी है। साथ ही वे वेब सीरीज़ भी कर चुके हैं। ऐसे में उनका मानना रहा है कि वे दमदार कहानी वाली फिल्में ही करेंगे जहां उनके लिए स्कोप हो। वैसे विक्रांत ने आज तक जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं उन सभी में अपनी छाप छोड़ने में सफल रहे हैं। विक्रांत अपने काम को लेकर बेहद कंसर्न्स रहते हैं, तभी आज उनकी डिमांड एक बार फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी है। रवि किशन के बाद विक्रांत ही इस इंडस्ट्री में विशुद्ध अभिनेता के रूप में लगातार काम कर रहे हैं। इन दिनों वे समीर आफ्ताब की फिल्म बाप रे बाप कर रहे हैं। इस फिल्म में यामिनी सिंह भी होंगी। फिल्म के बारे में कहा जा रहा है कि ये बेहद शानदार पारिवारिक फिल्म होने वाली है। इसका निर्माण भव्य पैमाने पर किया जाना है, इसलिए विक्रांत इस फिल्म को लेकर एक्साइटेड हैं। उन्हें फिल्म से उम्मीदें हैं और उनका कहना है कि आने वाले समय में वे भोजपुरी की कई फिल्मों में नजर आने वाले हैं, जिनमें मनोज टाइगर के भाई आलोक सिंह की कंपनी मिनी लाइफ की फिल्म मझधार और निर्देशक चंदन उपाध्याय की फिल्म रेस भी शामिल है। बहुत बधाई आपको विक्रांत सिंह राजपूत जी। और दोस्तों, वाकई में यामिनी सिंह के साथ बाप रे बाप फिल्म में विक्रांत सिंह राजपूत की जोड़ी कैसी लगेगी आपको, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस तरह की खबरों के लिए बने रहे देसी भारत के साथ। नमस्कार, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।